संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा बिना कामकाज के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। करीब एक महीने तक नेता सिर्फ वार पलटवार ही करते रहे। सदन में केवल तू डाल डाल मैं पात पात का खेल ही चलता रहा। नेताओं के इस खेल में जनता के हितों से जुड़े काम फिर अटक गए, जिन्हें पूरा करने के लिए अब कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने स्पेशल सत्र की मांग की है। वो चाहते हैं कि मई जून में स्पेशल सत्र बुलाया जाए। संसद के बजट सत्र का पहला चरण करीब 10 दिन चलकर हंगामे के बीच स्थगित हो गया। उम्मीद की गई कि एक महीने तक चलने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में कामकाज होगा, नए कानून बनेंगे, बिल पास किए जाएंगे, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, बुनियादी बातों पर मंथन होगा। लेकिन इस बार तो हुआ ही कुछ और। काम की जगह हंगामा ही बरपा, और वो भी ऐसा कि पिछले एक दशक का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 10 सालों में नेताओं ने इतना हंगामा, इतना प्रदर्शन कभी नहीं किया, इतना वार पलटवार भी कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। ये सत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया और जनता का पैसा स्वाहा हो गया। लेकिन इसके बावजूद नेता मांग कर रहे हैं कि एक स्पेशल सत्र बुलाया जाए जिसमें कामकाज हो सके। जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नायडू से अपील की है कि वो मोदी सरकार से संसद का स्पेशल सत्र लाने की बात करें। जयराम रमेश के मुताबिक मई या जून में 2 सप्ताह का स्पेशल सत्र लाकर बचे हुए बिल पास किए जा सकते हैं। हालांकि यह मांग उन्होंने कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि निजी तौर पर की है। आपको बता दें कि इस बार संसद लगातार ठप रहने की वजह से लोकसभा में 28 विधेयकों में से सिर्फ 5 बिल पास हो सके, वहीं राज्यसभा में एक ग्रेजुटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 ही पारित हो सका। कामकाज के लिहाज से यह सत्र बीते 10 सालों का सबसे हंगामेदार सत्र साबित हुआ। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेता की मांग पर स्पेशल सत्र बुलाया जाता है या नहीं। अगर सत्र बुलाया जाता है तो उसमें काम होगा या फिर हंगामा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।